नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मजेदार वीडियो में। तो आज हम यहां पे करने वाले हैं परफॉर्मेंस टेस्ट बिटवीन आईक्यू जी 3 एंड रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। अब इन दोनों फोन के बीच में तो परफॉर्मेंस टेस्ट डेफिनेटली बनता है, क्योंकि जो दोनों ही फोन की प्राइस जो आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है, तो 20,000 में आपको दोनों ही फोन देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया है वो डिफरेंट है दोनों ही फोन में। तो आईक्यू के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 768G, एक 5G चिपसेट है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 700 सीरीज का एक क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732G। तो ऑन पेपर अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो जो आईक्यू का प्रोसेसर है काफी आगे निकल जाता है। तो हम यहाँ पे आज टेस्ट करेंगे, अलग अलग चार राउंड में टेस्ट करेंगे। पहले राउंड में हम चेक करेंगे ऐप ओपनिंग स्पीड, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में इसको ओपन करेंगे, चेक करेंगे रैम मैनेजमेंट, तीसरे राउंड में चेक करेंगे इंटरनेट स्पीड टेस्ट एंड लास्ट में करेंगे वीडियो रेंडरिंग टेस्ट। एंड फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसमें कितना डिफरेंस देखने में आता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले दोनों ही फोन को एक बार हम रीबूट कर देते हैं एंड लेट्स सी यहां पे रीबूट स्पीड कौन से फोन में बेहतर देखने को मिलती है। तो रीबूट स्पीड के बारे में बात करी जाए तो वो मैं आईक्यू में बेहतर देखने को मिली है। काफी जल्दी रीबूट हो गया था जबकि यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल टाइम ले लिया था। तो टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। जैसे कि दोनों ही फोन को मैंने सेम वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, ब्राइटनेस को सिमिलर सेट कर रखा है, दोनों ही फोन को एयरप्लेन मोड में कर रखा है एंड दोनों ही फोन यहाँ पे 6GB रैम वेरियंट है मेरे पास एंड दोनों में से किसी भी फोन में कोई भी ऐप मेमोरी में नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अभी हम टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। एंड हाँ, जो दोनों ही फोन का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है उसको भी मैंने 120 हर्ट्ज़ पे सेट करके रखा है। तो चलिए अभी हम टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। तो यूट्यूब यहाँ पे आईक्यू ने जल्दी ओपन कर दिया है, काफ़ी जल्दी ओपन कर दिया है एंड ये हमारा दूसरा व्लॉग चैनल है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे भी देख सकते हैं। चलिए उसके बाद अमेज़न ओपन करते हैं। तो अमेज़न अगेन यहाँ पे आईक्यू ने जल्दी ओपन एंड लोड कर दिया है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड होने में भी टाइम लग रहा है। सेम वाईफाई पे है दोनों ही फ़ोन। उसके बाद फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट अगेन यहाँ पे आईक्यू ने जल्दी ओपन कर दिया, इनफैक्ट काफ़ी जल्दी कहूँगा मैं। उसके बाद मिंत्रा ओपन कर लेते हैं। ओके अगेन आईक्यू, तो यहाँ पे आईक्यू आगे चल रहा है। उसके बाद प्ले स्टोर ओपन करते हैं, अगेन आईक्यू ने जल्दी ओपन किया है। गूगल मैप्स ओपन करते हैं, तो यहाँ पे सेम टाइम पे ओपन हुआ है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे अगेन आईक्यू ने जल्दी ओपन किया एंड सभी एप्स को मैंने अपडेट किया था, बट यहाँ पे जो क्रोम है वो अपडेट नहीं हो रहा था। ये MIUI 12.5 के ऊपर चल रहा है तो यहाँ पे अभी के लिए क्रोम अपडेट नहीं हो रहा, तो ये इश्यू यहाँ पे एक नोटिस किया है मैंने। चलिए अभी कुछ गेम्स ओपन कर लेते हैं। तो सोनिक बूम 2 ओपन करते हैं। तो अगेन आईक्यू ने जल्दी ओपन कर दिया है एंड उसके बाद यहाँ पे रेडमी ने ओपन किया था। सबवे सर्फ ओपन करते हैं। अगेन आईक्यू ने जल्दी ओपन किया है। उसके बाद टेम्पल रन 2 ओपन कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी आईक्यू ने जल्दी ओपन किया है एंड उसके बाद यहाँ पे ओपन हुआ है। कैंडी क्रश ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैंने दोनों ही फोन में गेम मोड को डिसेबल करके रखा है। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं आईक्यू ने जल्दी ओपन कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ओपन हुआ था। चलिए अभी कुछ बेसिक से टास्क ओपन कर लेते हैं, जैसे कि गैलरी। तो अगेन आईक्यू ने जल्दी ओपन किया है। उसके बाद कैलकुलेटर, अगेन आईक्यू। कैमरा, अगेन आईक्यू ने जल्दी ओपन कर दिया है। यहाँ पे अब जाके ओपन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है। उसके बाद लास्ट में सेटिंग्स, तो अगेन आईक्यू। तो दोस्तों पहले राउंड के बारे में अगर बात करी जाए तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही रिजल्ट देखने को मिले हैं। सभी टास्क को यहाँ पे आईक्यू ने जल्दी ओपन कर दिया, इनफैक्ट काफ़ी जल्दी ओपन कर दिया है।
चलिए अभी दूसरे राउंड में रिवर्स ऑर्डर मैप्स को ओपन करते हैं। लेट्स सी रैम मैनेजमेंट कहां पे बेहतर है। तो रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे अगेन आईक्यू विनर निकल के आता है। सभी टास्क को मेमोरी में रखा था जबकि यहाँ पे टेम्पल रन 2 से लेकर आगे के सभी एप्स को रीलोड किया था। तो रैम मैनेजमेंट के मामले में यहाँ पे अगेन आईक्यू विनर है। चलिए इन सभी एप्स को कर देते हैं क्लोज एंड कर लेते हैं दोनों ही फोन के बीच में इंटरनेट स्पीड टेस्ट एंड लेट्स सी वहाँ पे कौन सा फोन बेहतर परफॉर्म करता है। तो इंटरनेट स्पीड के बारे में अगर बात करें जाए तो हमें स्लाइटली बेटर देखने को मिली है Redmi Note 10 Pro Max में। तो फिर यहाँ पे तो Pro Max विनर निकल के आता है। चलिए इनको भी कर देते हैं क्लोज एंड लास्ट में अभी कर लेते हैं दोनों ही फोन के बीच में एक परफॉर्मेंस टेस्ट। तो वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करेंगे हम पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन का यूज करेंगे एंड दोनों ही फोन में हमने सेम प्रोजेक्ट को लिया हुआ है। एक साथ ही हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे एंड 720p पे प्रोड्यूस करेंगे दोनों ही फोन में। तो 720p पे दोनों ही फोन में सेट कर दिया है। यहाँ पे प्रो मैक्स है, यहाँ पे आईक्यू है, तो एक साथ ही प्रोड्यूस करेंगे। तो वीडियो रेंडरिंग टेस्ट के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे भी अगेन आईक्यू ने बेटर परफॉर्म किया। यहाँ पे 100% पे पहुंच चुका था, यहाँ पे 72% पे था। तो यहाँ पे भी अराउंड 30% का डिफरेंस देखने में आया है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे तो क्लियरली परफॉर्मेंस के मामले में आईक्यू विनर निकल के आता है एंड सभी राउंड में यहाँ पे आईक्यू ने बेटर परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे अगर आप 20,000 के आसपास कोई डिवाइस देख रहे हैं एंड परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है एंड इन दोनों डिवाइस में आप कंफ्यूज थे तो यहाँ पे क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ कि जो आईक्यू Z3 है वो बेटर डिवाइस है यहाँ पे। अभी परफॉर्मेंस के अलावा इन दोनों का मैंने एक डिटेल्ड कैमरा कंपेरिजन भी किया हुआ है तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको बेहतर आइडिया लगेगा इसके कैमराज के बारे में एंड बाकी परफॉर्मेंस का यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई सवाल या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।